अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ इकरा शाहिद एंड माय रोल नंबर इज़ 18227। एंड माय प्रोजेक्ट नेम इज़ वेडिंग प्लानर सिस्टम। फर्स्ट ऑफ ऑल वेडिंग प्लानर सिस्टम के डिज़ाइन को देख लेते हैं सर। इसमें जो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने मॉड्यूल बनाया है वो है लॉगिन का। लॉगिन मॉड्यूल है जिसमें हम लॉगिन करके फर्दर नेक्स्ट मॉड्यूल में एंटर हो सकते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल लॉगिन मॉड्यूल को डिस्कस करते हैं। इसमें मैंने लिए हैं दो लेबल्स लिए हैं, नेम और पासवर्ड का, दो ही टेक्स्ट फील्ड्स लिए हैं और लॉगिन का एक बटन लिया है। इसकी कोडिंग को देख लेते हैं। लॉगिन मॉड्यूल में जो सबसे पहले कोडिंग की है वो मैंने ये लाइब्रेरीज ऐड की हैं, और लाइब्रेरीज ऐड करने के बाद जो नेक्स्ट कोडिंग हुई है वो इसके लॉगिन बटन के बिहाइंड हुई है। ये हमने यूज़र नेम और पासवर्ड वही ले लिया है जो हमने दो लेबल लिए थे उसे किया यूज़, और बाद में मैंने कनेक्शन करवाया डेटाबेस के साथ। इसमें जो DB2 है वो है डेटाबेस का नाम, और जो root2 है ये वाला वो है मेरे टेबल का नाम जो मैंने डेटाबेस में क्रिएट किया। वही यूज़र नेम और पासवर्ड हमने इधर लिए हैं, एज इट इज़ वही नेम वही स्पेल लिखने हैं ताकि कोई एरर ना आए। अब इसे रन करवा कर देख लेते हैं लॉगिन को। मैं अपना नेम एंटर करती हूँ, पासवर्ड 776 लॉगिन। ये मैं मैसेज शो हो गया क्या का, इसका मतलब ये मुझे रिस्टार्ट कर गया। इससे फर्दर जो नेक्स्ट मॉड्यूल बनाया वो है मेन मॉड्यूल। मेन मॉड्यूल में मैंने एक लिया यूज़र रजिस्ट्रेशन के नाम से, एक एड इवेंट डिटेल्स में, एक लॉगआउट में। मतलब अगर हम यूज़र रजिस्ट्रेशन में करें तो हम उस फॉर्म पे चले जाए, अगर एड इवेंट डिटेल्स में करें तो उस फॉर्म पे चले जाए, अगर लॉगआउट पे क्लिक करें तो लॉगआउट हो जाए। अब जो इसमें जो कोडिंग हुई है सोर्स, एक तो रजिस्ट्रेशन बटन के बिहाइंड हुई है। इसमें जो हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया और उस ऑब्जेक्ट एम को कॉल कर दिया सेट विजिबल ट्रू, ट्रू कर दिया प्रॉपर्टी को, और जो बटन 3 है वो है लॉग आउट का बटन। उसके बिहाइंड हमने कोडिंग किया सिस्टम डॉट एग्जिट, मतलब जब हम लॉग आउट पर करें तो एग्जिट कर जाए। इसके एक लाइन की कोडिंग होती है, और इवेंट में एज इट इज़ वही हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और सेट विजिबल ट्रू कर दिया। एज इट इज़ इसके यूजर रजिस्ट्रेशन की तरह कोडिंग हुई है। अब हम देख लेते हैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म को। रजिस्ट्रेशन फॉर्म में हमने लिए हैं 6 लेबल्स लिए हैं और 2 बटन्स लिए हैं। इसमें कैंसिल के बिहाइंड कोडिंग हुई है सिस्टम डॉट एक्सेप्ट, ये वाली कैंसिल बटन के बिहाइंड भी यही कोडिंग होती है सिस्टम डॉट एक्सेप्ट जो कि हमने लॉकआउट के बिहाइंड की थी। फर्दर है इवेंट मॉड्यूल। इवेंट मॉड्यूल में हमने लिए हैं 2 इवेंट मॉड्यूल में हमने 4 लेबल्स लिए हैं और एक ओके का बटन लिया, 4 ही टेक्स्ट फील्ड्स लिए हैं। ये हमारा इवेंट डिटेल मॉड्यूल है। अब हम देख लेते हैं कि हमारा डेटाबेस के साथ कनेक्टेड जो हमने अभी डाटा एंटर किया था वो डेटाबेस में शो हो रहा है। उसके लिए हम इधर उसके लिए पहले एग्जाम को चलाती हूँ एडमिन डेटाबेस DB2 जो अभी मैंने आपको बताया था DB2 के नाम से मेरे डेटा टेबल का नाम है। अब इसको ब्राउज करके देख लेते हैं जो भी डाटा एंटर किया था वो शो हो रहा है। ये 15 नंबर में जो मैंने अपना नाम एंटर किया था इकरा और पासवर्ड एंटर किया था 776 वो शो हो रहा है। इसका मतलब ये डेटाबेस में भी अपडेट हो गया। फर्दर अब हम इसे रन करवा कर देख लेते हैं। अभी जो हमने लॉगिन को रन करवाया था उसका ये बड़ा हुआ, ओके पे क्लिक करेंगे तो हम नेक्स्ट मॉड्यूल में चले जाएंगे मेन में। इसमें यूजर रजिस्ट्रेशन में करेंगे तो रजिस्ट्रेशन वाले पे चले जाएंगे, और नेक्स्ट जो है वो एड इवेंट डिटेल्स में करेंगे तो एड इवेंट डिटेल वाला फॉर्म ओपन हो जाएगा, और अगर लॉग आउट में करेंगे तो लॉग आउट हो जाएगा। ये था हमारा वेडिंग प्लानर सिस्टम। थैंक यू।